तो दोस्तों डोमिनार के पुराने मॉडल में हम नए वाले टूरिंग एडिशन का कौन सा एसेसरीज लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि डोमिनार का जो नेविगेशन स्टे यानी कि मोबाइल होल्डर है वो किस तरह से आप पुराने वाले मॉडल में लगा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो जो है ये डोमिनार के टूरिंग मॉडिफिकेशन की सीरीज़ का और एक वीडियो है जिसमें हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि है मोबाइल होल्डर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टूरिंग पे जा रहे हो तो मोबाइल होल्डर एक काफ़ी एसेंशियल चीज़ हो जाती है क्योंकि नेविगेशन में और बाकी काफ़ी सारी जगहों पर हमें मोबाइल हमारे सामने होना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मोबाइल होल्डर ऐसे लगाने में आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, कोई भी लगा सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ और दो तीन चीज़ें मेरे ध्यान में आई है कि यदि हम अगर मोबाइल होल्डर की बात करें तो मोबाइल होल्डर का जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी सही जगह पे होना चाहिए क्योंकि जब भी आप 80-90 की स्पीड के आसपास जब भी आप ड्राइव करते हो तो आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल रोड पर होना चाहिए। अगर इधर उधर आपका ध्यान जाता है तो हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना हो जाए। तो अभी नॉर्मली मोबाइल जो मैंने देखा है वो हैंडल बार पे मिरर के साइड पे माउंट होता है, तो उसके लिए आपको अगर देखना है तो आपको ध्यान से देखने के लिए थोड़े सेकंड्स के लिए तो आपको अपनी नज़रें हैं वो रोड से हटाकर मोबाइल पे शिफ्ट करनी पड़ती है। और या तो काफ़ी लोग टैंक बैग पे भी मोबाइल लगाते हैं लेकिन वो तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं क्योंकि हेलमेट का जो व्यू होता है वो काफ़ी नैरो होता है, मतलब सिर्फ इतना सा व्यू आपको दिखता है और उसमें अगर आज आप नीचे शिफ्ट करोगे तो काफ़ी समय के लिए आपका जो ध्यान है वो रोड से हट जाएगा, तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट मतलब सिचुएशन हो जाती है। और रिसेंटली अभी जो डोमिनार का जो नया कंपनी ने जो अभी नया टूरिंग एडिशन निकाला है उसमें मुझे जो उन्होंने एक प्लेसमेंट दिया है, मतलब जो आगे बराबर स्पीडोमीटर के ऊपर जो उन्होंने प्लेस किया है वो मुझे बहुत ही आइडियल पोजीशन लगता है क्योंकि सिर्फ आप थोड़ी नज़रें शिफ्ट करके ही आप उस पर अपनी ध्यान दे के आप अपना जो है रोड पर भी फोकस रख सकते हो। तो मैं काफ़ी समय से वो जो मतलब उन्होंने उसे नेविगेशन स्टे का ही नाम दिया है कंपनी ने, तो मैं जब 2022 मॉडल लॉन्च हुआ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि मतलब काफ़ी सारे अच्छे उन्होंने मॉडिफिकेशन अभी कंपनी ही करके दे रही है जो हमें नहीं करने पड़ेंगे, जिसमें विंडशील्ड आ गई, फिर नकल गार्ड्स आ गए, फिर जो क्रैश गार्ड आ गया, पीछे का सेडल स्टे हो गया, फिर टॉप रेक हो गया, ये सारी चीज़ें कंपनी दे रही है। हालांकि हम तो ये सब कुछ करवा चुके हैं लेकिन फिर भी जो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में थी और उसी वजह से अभी तक मैंने अपने डोमिनार पे मोबाइल होल्डर नहीं लगाया था। हालांकि मैंने मंगा के काफ़ी टाइम से रखा था लेकिन उसको लगाऊ कहाँ, उस चक्कर में मैंने उसे वैसे का वैसे ही छोड़ दिया था। तो जब ये पर्टिकुलर मॉडल लॉन्च हुआ और उसमें मैंने देखा कि ये जो एसेसरी है ये डोमिनार के 2019 के ऊपर के मॉडल पे 100% कंपेटिबल है और 2018 वाले जो मॉडल है या उसके पहले के मॉडल है उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करना पड़ता है, तो वो करके आप दोनों मतलब हर मॉडल में मोस्टली बोल सकते हो कि कंपेटिबल है। तो मैंने ऑर्डर किया, मैं सोचा कि चलो अपने लिए मंगाते हैं। और मैंने सबसे बड़ी गलती की कि उसको ऑर्डर करने के लिए मैंने एक वेबसाइट चुनी जिसका नाम है 99 RPM। जी हाँ दोस्तों, आप भी काफ़ी लोग इस वेबसाइट से फेमिलियर होंगे क्योंकि अगर आप गूगल पे कोई भी डोमिनार या बजाज के पार्ट्स डालते हो तो पहली वेबसाइट यही आती है। तो मैंने सोचा कि चलो रेप्यूटेड वेबसाइट है और जेन्युइन स्पेस दे रही है क्योंकि जो पिक्चर्स दिखाते हैं वो भी बजाज के जो जेन्युइन फ़ोटोज़ होते हैं वही दिखाते हैं उन लोग। तो मैंने वहीं से ये ऑर्डर किया, वो टाइम पे अराउंड कुछ 350-450 के आसपास उसका प्राइस था, उसके साथ में कुछ नट बोल्ट्स है या कुछ उसके आपको पूरा एक मैं आपको इस पर स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें साथ में लेनी पड़ती है नेविगेशन स्टे के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे पार्ट नंबर मेंशन कर दूंगा तो आप वहाँ से अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हो। लेकिन 99 RPM से आप ऑर्डर मत कीजिए, क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था करीबन 6 महीने पहले। जी हाँ दोस्तों, आप सोचोगे कि 6 महीना, हाँ तो 6 महीने पहले मैंने ऑर्डर किया था और जब ऑर्डर किया उस समय उसकी साइट पर लिख के आ रहा है अवेलेबल इन स्टॉक रेडी टू शिप विद इन 5-6 डेज। नॉर्मली ठीक है चलो ओके, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर करने के बाद उनका आ गया कि चलो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है और अभी आपका जो भी जैसे ही डिस्पैच होगा हम आपको मेल करेंगे। तो एक हफ्ते बाद उनका मेल आता है कि एक बोल्ट आया हुआ, एक नट आया है, एक वॉशर आया है, ऐसे हर एक चीज़ के उनके मेल आने, हर 7 दिन में एक मेल आता था। लेकिन जिसमें जो मेन यूनिट है जिसको उन लोग कैरियर यूनिट बोलते हैं जिसपे ये मेन फ्रेम जो होता है उसका कोई अता पता नहीं था। तो वैसे करते करते मैं करीबन 3 महीने 4-3 साढ़े 3 महीने तक रुका और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया दोस्तों।
कि भाई अब मुझसे नहीं रुका जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है जो फेसबुक पे हमारा डोमिनार ओनर्स का एक ग्रुप है उस पर भी काफ़ी सारे लोग इससे परेशान थे। मतलब हर कोई अपना वेटिंग पीरियड के स्क्रीनशॉट डाल रहा था, आई एम वेटिंग फ्रॉम 72 डेज, आई एम वेटिंग फ्रॉम 82 डेज, कोई 100 दिन तक पहुँच चुका है। तो भाई मुझे इसका विक्टिम नहीं बनना था, तो मैंने वहाँ से अपना ऑर्डर कैंसिल करवाया। तो अराउंड 1-2 हफ्ते में मेरा जो पैसा था वो कुछ 30-40 रुपया माइनस करके उन्होंने पैसा रिफंड करवा दिया। खैर बात पैसे की नहीं है दोस्तों, जो 4 महीना मैं बिना मतलब वेट करता रहा, जबकि वो लोग बता ये रहे कि आप इसको इमीडिएट मतलब 5-6 दिन में शिप हो जाएगा, और आप बंदे को 4-4 महीना खड़ा रख रहे हो। मतलब ये किस तरह की वेबसाइट है, और इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। मतलब आप सोचो कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कितने हज़ारों लोग इस वेबसाइट पर ऑर्डर करते होंगे, और ये कंपनी लिटरली हमारे जैसे यूज़र्स का पैसा यूज़ कर रही है। तो फिर मैंने आखिर में ऑर्डर कैंसिल किया, पैसा रिफंड आया, और मैं गया अपने लोकल बजाज सर्विस सेंटर में, वहाँ पर जो स्पेयर पार्ट डिवीजन होता है वहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया। और उस समय उसका भाव कुछ बढ़ गया था, जो उस टाइम 385 के आसपास था उसका 500 रुपीज़ हो गया था। तो मैंने पेमेंट फुल कैश कर दिया, और करीबन 1.5 महीने में वहाँ से वो ऑर्डर आ गया। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, और दोनों का मैं आपको फुल इंस्टॉलेशन बताऊँगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। जैसे मेरे आगे के हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन होता है, आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी हिडन पॉइंट्स नहीं होगा, आप चाहे उसमें कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट हो या ना हो, आप खुद अपना इंस्टॉलेशन कर सकोगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल होल्डर। जी दोस्तों, ये सिमटेक का मोबाइल होल्डर मैंने मंगाया हुआ है। मैं इसमें भी काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, क्योंकि रैम माउंट, काफ़ी लोग रैम माउंट यूज़ करते हैं, फिर आजकल वो बोबो का एक जो आता है ये है उसी टाइप का, लेकिन ये सिमटेक पे मुझे काफ़ी ट्रस्ट है, क्योंकि इसके पहले भी अपने डोमिनार में मैंने जो हैजार्ड लाइट है वो मैंने सिमटेक का ही लगाया हुआ है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आई बटन में भी आएगा, वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो सिमटेक एक इंडियन ब्रांड है, तो सबसे पहला मेरा प्लस पॉइंट यही होता है कि मैं इंडियन चीज़ें प्रीफर करता हूँ। जहाँ पे लास्ट ऑप्शन ना मिले तो फिर मैं सोचता हूँ कि कोई अदर ब्रांड ले, या अदर कोई कंपनी या दूसरी कंट्री से हम खरीदें, बट फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मेड इन इंडिया। और इसकी खास बात मुझे ये लगी कि ये मोबाइल होल्डर कम चार्जर है, और इसमें QC 3.0 दिया हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करता है। मुझे पता नहीं है, मैंने लगाया नहीं अब तक, लगाने के बाद ही पता चलेगा कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या है। ये कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है, पैकिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है दोस्तों। और ये मैंने ऑर्डर जो किया है, ये एक वन स्टॉप एसेसरी करके शॉप है, ये पुणे बेस्ड फर्म है, यहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इनका व्हाट्सएप के ऊपर शॉप है, या इसका व्हाट्सएप का नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको भी मंगाना है तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। बहुत ही क्विक सर्विस था, और इनका फीडबैक भी आया था कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा उनका। और दूसरा है कि ऐसा थैंक यू का कार्ड आता है। और बात करें और चीज़ों की, तो इसमें आपको 2 तरह के माउंट्स मिल जाते हैं। एक तो ये हैंडल बार पे लगाने के लिए इस तरह का माउंट है, और यदि आपको मिरर साइड लगाना है तो मिरर के लिए भी इन्होंने एक अलग से दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें ये जो ये मेन ये प्रोडक्ट है इसका, ये इस तरह से बोबो टाइप ही है, लेकिन ये फुल मेटालिक है, एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया हुआ है, और अंदर की साइड में यहाँ पे सॉफ्ट ग्रिप्स भी लगे हुए हैं। और पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये USB का इन्होंने पोर्ट दिया हुआ है, और ये ब्लू कलर का होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये 3.0 है। और यहाँ पर इसकी ऑन ऑफ स्विच भी दी हुई है, ताकि इसको आप अपने हिसाब से मतलब ऑन ऑफ कर सके। और ये भी आप अगर आप देखोगे तो ये पूरी ऊपर से मतलब एक सॉफ्ट मटेरियल से इसको कवर्ड किया हुआ है, और यहाँ पर भी ये वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसको एक अलग से यहाँ पे कैप दे दिया है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक वायरिंग हार्नेस आता है, जो आप बैटरी से या कहीं से जो इसको कवर करना है, और ये भी फ्यूज़ है इसके अंदर, ताकि एक सेफ्टी प्रोटेक्शन देने के हिसाब से। साथ ही में आपको 2 एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी दिए हुए कंपनी ने। उसके अलावा आपको एक 4 केबल टाई मिलती है, ये केबल टाई के थ्रू आप वायरिंग को मतलब सिक्योर कर सकते हो। और साथ में अगर देखा जाए तो और क्या क्या है इसमें, एक एलन की आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जिससे आप इसको टाइट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एलन की ज़रूरत पड़ेगी इसको टाइट करने के लिए। और ये एक्स्ट्रा इस तरह से ये अंदर के स्पेसर्स मिलते हैं, ताकि अगर आपका जो हैंडल बार का जो साइज़ अगर मोटा पतला है, तो आप उसको यहाँ से, ये ऑलरेडी एक लगे हुए एक पैर, और ये एक पैर इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और एक ये वारंटी कार्ड इसका एक साथ में आता है। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। और ये जो चीज़ है, ये काफ़ी मतलब मैंने जब इसका हैजार्ड फ्लैशर मॉड्यूल भी इंस्टॉल किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, आज भी करीबन यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आया है। हालांकि उसमें एक अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है, जिसमें मुझे मतलब उन्होंने स्विच भी निकाल दिया, जो हमारे हैंडल बार पे स्विच लगता है,
वो भी आप डायरेक्ट अपना जो टर्न इंडिकेटर है उसी से हम कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं जो बजाज के पास से हमने मंगवाया हुआ है, ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आया हुआ है। बजाज का ये ऑथोराइज जो था उसमें से आया है और उसमें ये कुछ ये पार्ट्स है जो आपको अलग से मंगाने, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके डिटेल्स में आपको दे दूंगा। तो ये एक इसके बोल्ट्स है, कुछ स्क्रूज है, कुछ नायलॉन वॉशर है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने इसके साथ मंगानी पड़ेगी, नेविगेशन का जो मेन यूनिट है उसके साथ। और ये जो है ये इसका मेन यूनिट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इस तरह से आता है। ये जो आपका स्पीडोमीटर का जो बॉक्स है उसके ऊपर लगेगा और यहाँ पर आपका मोबाइल होल्डर लगेगा। तो ये जो बिल्कुल इसका जो पोजीशन है ये आपके बिल्कुल स्पीडोमीटर के ऊपर हो जाएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी है आज के वीडियो में, अब कुछ काम किया जाए। तो चलते अपने डोमिनार के पास और शुरू करते हैं इसका इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप। कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा वरना फिर आपको इंस्टॉलेशन में परेशानी होगी। और यदि फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर कमेंट का हम लोग जवाब देते हैं। तो चलिए चलते हैं डोमिनार के पास। तो दोस्तों, हम आ गए अपने डोमिनार के पास, हमारा जो मोबाइल नेविगेशन का जो स्टे है उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, लेकिन इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो टूल बॉक्स है जो हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी वीडियो में लोग मुझसे पूछते कि ये कौन सा टूल बॉक्स है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऑल इन वन टूल बॉक्स आता है। आप भी कुछ इस तरह का ये टूल बॉक्स चाहे तो ख़रीद सकते हो। ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, मतलब ये बहुत वर्सेटाइल टूल बॉक्स है, इसमें सभी तरह के टूल्स मिलते हैं। और यदि आप इसको ख़रीदना चाहो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से वो टूल बॉक्स खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन करने से लिए हमें सबसे पहले विंडशील्ड को निकालना होगा। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा कि आपको किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ के दो बोल्ट और सामने के दो बोल्ट निकाल लेंगे। तो उसी तरह से भी दूसरी साइड के भी दोनों स्क्रू निकाल लेते हैं। तो भी दोनों स्क्रू निकलने के बाद में आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। और पीछे के जो एंटी वाइब्रेशन के, ये भी आसानी से आपको खाली इस तरह से बाहर ही निकालना है। तो ये आपका विंडशील्ड जो है ये अलग हो गया। अभी हमें ये वाला असेंबली खोलना है ताकि हम अंदर इसका जो चार्जर है इसका वायरिंग कर सकें। तो सबसे पहले अभी हम ये दो स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद साइड में यहाँ पे और वो साइड पे ऐसे दो स्क्रू है, वो दोनों को हमें खोलना है। उसके बाद यहाँ पर एक लॉक है, उसको हमें खोलना है। उसके लिए कोई भी ऐसा पतला पॉइंट लेके आपको इसके अंदर डालना है। उससे ये बाहर आ जाएगा। अभी हमें ऊपर के ये दो स्क्रू खोलने हैं। अभी उस फ्लैप के नीचे ऐसे दो, एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू वहाँ पे, तो दोनों स्क्रू को हमें खोल लेना है। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ दो एलन की लगी हुई है, इसके लिए आपको 4 mm की एलन की लगेगी। तो उससे हम यहाँ के दो एलन की बोल्ट खोलेंगे। तो अभी सारे हमने बोल्ट खोल लिए हैं, तो अभी बारी है इसको ओपन करने की। और ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे अपना जो मोबाइल होल्डर कम चार्जर है उसका कनेक्शन करने वाले हैं। और इसके लिए हमने ये जो ओपन किया उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इग्निशन में कंट्रोल दे रहे हैं। आप इसको चाहे तो बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बैटरी से कनेक्ट करने में एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपका जो यहाँ पे पावर सप्लाई है ये हमेशा चालू रहता है। तो आपके USB पोर्ट में आप कोई भी, मतलब आपका अगर बाइक कहीं बाहर खड़ा है तो कोई भी बंदा आके अपना कनेक्शन लगा के आपकी बैटरी यूज़ कर सकता है, जिससे बैटरी ड्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हम यहाँ से कनेक्शन करते हैं तो जब भी आपका बाइक ऑन है सिर्फ उसी समय आपका मोबाइल चार्जर काम करेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो इसको करने के लिए एक्चुअली हमारे पास ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है, जिससे हम देखेंगे कि कहाँ पे ये वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये ब्राउन और वाइट वायर दिखेगा, दरअसल ये इग्निशन से आता है। और ये जो ब्राउन वायर है नीचे की साइड पे, ये जब इग्निशन ऑन करते हैं उसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई आता है। तो यहाँ पर इस ब्राउन पे हमें इग्निशन ऑन करने में 12 वोल्ट मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं हो, जैसे अभी ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें 12.1 के आसपास वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये प्रॉपर, देखिए ऑफ करने के बाद में चला भी गया, मतलब ये प्रॉपर पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो वायरिंग हायरनेस है ये हमें मोबाइल चार्जर के साथ में मिला हुआ है, इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये दो पॉइंट, एक रेड है और एक ब्लैक है।
तो रेड पॉइंट हम इस ब्राउन वायर का जो कनेक्शन है इसके आसपास करेंगे, और ये जो ब्लैक है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड हम कहीं भी जो बॉडी का जो कनेक्शन है वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप ये पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे कोई भी जो आप देख रहे हो बॉडी के साथ जो कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कनेक्शन हमने कर दिया है, जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो अपने यहाँ पे ब्राउन के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल था वो हमने यहाँ पे नीचे नट के साथ में लगा दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने फिर से असेंबली यहाँ पे लगा दी है, और ये वायर हमने यहाँ से बाहर निकाला है, क्योंकि ये जो नेविगेशन स्टे है ये यहाँ पर फिट होगा इस तरह से, ये इस तरह से फिट होगा, और चार्जर जो है ये यहाँ पे आएगा, तो ये आइडियल पोजीशन है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए अभी इसको फिट करते हैं। इसको फिट करने के लिए आपको दो स्क्रू यहाँ पे टाइट करने हैं, और दो स्क्रू साइड में है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको उसको टाइट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो नेविगेशन स्टे हमने यहाँ पे लगा दिया है, उसके दो बोल्ट यहाँ पे लगते हैं, ये दोनों स्क्रू जो हमने मंगाए थे ये वही यहाँ पे लगा दिए गए, और जो दो है वो यहाँ पे लगते हैं, लेकिन यहाँ का फिटिंग अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अंदर एक ऑलरेडी एलन की लगा हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसका जो एलन की बोल्ट है इसी में से हमें इसे पास करना है, तो हमने उस एलन की बोल्ट को निकाल के उससे एक साइज़ बड़ा एलन की बोल्ट लिया और उसमें से हमने इसको पास कर दिया। तो ये भी यहाँ पे प्रॉपर फिट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अच्छे से यहाँ पे टाइट हो गया है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सिर्फ एलन की बोल्ट जो है वो आपको चेंज करना है, थोड़ा सा लंबा बोल्ट लेके वहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देना है। दरअसल ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि एक हमने जो पार्ट मंगाया था जो उसके अंदर एक स्क्रू जैसा लग रहा था, तो वो हमने ऑनलाइन जो उसके कैटलॉग में था वो मंगाया, लेकिन वो एक्चुअली 2022 मॉडल के लिए है। अगर आप उससे पुराने मॉडल के लिए आप ये मंगा रहे हो तो उसके लिए आप वो पार्ट ऑर्डर मत करना, वो नंबर अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो आप ऑर्डर स्किप कर दीजिएगा। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये मोबाइल होल्डर का जो ब्रैकेट था वो भी लगा दिया है, और यहाँ पर ये वायर है। तो चलिए अभी यहाँ पे मोबाइल होल्डर फिट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये मोबाइल जो ब्रैकेट है ये फिट करते हैं। मोबाइल होल्डर का हमने ये स्क्रू निकाल लिया, और ये जो इसका माउंट है ये हम यहाँ पे पहले इसको लगा देंगे, इसके अंदर डाल के ये एंड पहले हमें यहाँ पे डालना है, और इसको हमें यहाँ पे पुश करना है। तो अभी ये अंदर चला गया है, और अभी हमें इसे यहाँ से थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है बस। तो अभी बारी है इसको खोल के यहाँ पे लगाने की। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो चार्जर है ये यहाँ पे फिट हो चुका है, और ये इसका जो वायर है ये भी हमें भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह से अभी ये कनेक्शन कम्प्लीट हो गया है, और ये वायर मैंने बाहर इसके लिए रखा है कि कभी अगर हमें इसे निकालना है तो फिर उसके लिए हमें इसे खोलने की ज़रूरत ना पड़े, वरना अगर ये हम अंदर डाल देंगे तो क्या होगा कि कभी अगर हमें इसके कुछ कारण से अगर डिस्कनेक्ट भी करना है तो फिर हमें ये फिर से पूरी असेंबली खोलनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने ये वायर को बाहर रखा है, आप चाहे तो इसे अंदर भी रख सकते हो, बट ये मुझे ऐसा लगा कि इसे बाहर रखना ठीक रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये लगाने के बाद में कुछ इस तरह से नज़र आता है, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी आइडियल पोजीशन है मोबाइल होल्डर को लगाने की, क्योंकि रोड के ऊपर जब भी आप देख रहे हो तो आपकी नज़र मोबाइल पे और स्पीडोमीटर पे और रोड पे तीनों जगह पे एक साथ रहेगी, और इसको आप मोबाइल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी कोई भी पोजीशन में लगाओगे तो भी आपका जो व्यू है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम चार्जर से भी इसको कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये चार्जिंग ऑन हो जाता है, और पीछे जो स्विच दी है उससे भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज के हमारे वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको अगर ये मोबाइल जो होल्डर है ये किस तरह से लगाना है, और डोमिनार का जो नेविगेशन स्टे है वो ऑलमोस्ट हमने लगा दिया है। और अगर उसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट हो इस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या इसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स के जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।